नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण है सिविल इंजीनियर के लिए। आज हम बात करेंगे कि किसी भी प्लान में लेआउट कैसे डाला जाता है, या किसी भी प्लान के कॉलम को सेंटर लाइन कैसे दर्शाते हैं, या सेंटर लाइन कैसे बनाते हैं। किसी ने बोल दिया अगर आप साइड पर ये मैं आपको प्लान बना के देता हूँ, या किसी आर्किटेक्ट ने बोल दिया मैं ये प्लान बना कर दे रहा हूँ, इसमें आप सेंटर लाइन दिखाओ मेरे को, तो कॉलम शिफ्टिंग कैसे दिखाओगे। बहुत महत्वपूर्ण है सिविल इंजीनियर के लिए, ये लेआउट तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है आर्किटेक्ट के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए, स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए, ये तीनों के लिए ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं सेंटर लाइन कैसे बनाते हैं और इसकी डिटेलिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लेयर बनानी पड़ेगी सेंटर लाइन के नाम से, जिसमें आपको लाइन हिडन में देनी है, मतलब हिडन बोले तो डॉटेड में लाइन। तो मैंने ऑलरेडी बना कर रखी है, तो मैं दिखाता हूँ आपको लेयर। ये मैंने लेयर बनाई है। चलिए आइए मैं यहाँ पे आपको लेयर दिखाता हूँ, सेंटर। ये मैंने सेंटर लाइन वाली लेयर एक्टिवेट कर ली है। यहाँ से मैंने सेंटर लाइन वाली लेयर एक्टिवेट की है, जो कि चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम प्लान तैयार कर सेंटर लाइन कैसे। L4 हमने एक लाइन लेंगे जो कि सेंटर लाइन की होगी। सबसे मेन चीज़ ये लाइन आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा, ये डॉटेड में है। मैं थोड़ा इसका स्केलिंग बढ़ा लूँ अगर आप बोलते हैं तो, जैसे ये सेंटर लाइन, ये बाय लेयर है। मैं इसको अगर जो मुझे दिखेगी मैं उसी पे करूँगा। चलिए ये बात बाद में करेंगे हम, सबसे मेन चीज़ सेंटर लाइन कैसे डालते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पहले एक लाइन ले लेंगे, ये हमने लाइन ले ली, बस कुछ नहीं करना, इसी लाइन को आपको कॉपी करना है। मैंने ये लाइन कॉपी किया, देन इसको ड्रैग किया और ये उठाया, ये मैंने इस कॉलम के सेंटर पे रखा, मैंने ये सेकंड कॉलम के सेंटर पे रखा, थर्ड कॉलम के सेंटर पे रखा, देखते जाइए बस, फोर्थ कॉलम के सेंटर पे रखा, ये फिफ्थ, ये कॉलम का सेंटर, ये फिफ्थ कॉलम के सेंटर पे रखा, ये और ये सिक्स्थ कॉलम के सेंटर पे रखा। चलिए आइए, ये हमने हॉरिजॉन्टल लेआउट डाल लिया है कॉलम में, अब हम वर्टिकल लेआउट डालते हैं। तो चलिए आइए वर्टिकल लेआउट कैसे डालेंगे। फिर एक लेयर लाइन लेंगे, ये हमने एक लाइन ली, यहाँ से कॉपी करा, ये हमने कॉपी किया, ये देखिए मैं वर्टिकल लेआउट डालना सिखा रहा हूँ। ये लेआउट डाला, ये यहाँ से डाला, ये मैंने यहाँ से डाला, ठीक है, ये वर्टिकल लेआउट हो गया। ये X4 एक्सटेंड कर लेंगे, एक्सटेंड हो जाएगी, ये एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया। अच्छा दोस्तों, अब बात आती है, यहाँ तो हमने सेंटर लाइन दिखा दी, पर कुछ कॉलम वर्टिकल ये रह गया, जैसे ये रह गया, जैसे ये वाला रह गया, ये वाला रह गया, ये वाला रह गया, तो इनकी सेंटर लाइन कैसे दिखाएंगे। तो चलिए आइए मैं अब वो दिखाता हूँ आपको।
इनकी सेंटर लाइन कैसे दिखाई जाती है। तो क्या होता है दोस्तों, जितने भी कॉलम होते हैं उसके सेंटर पे हमें रखना है ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, अभी शायद कोई भी कॉलम अभी नहीं बचा है। सबसे पहले ये जो बाहर जा रही है PR, सॉरी ये ट्रिम, दोस्तों जो अलग जा रही है अभी इसको हम ट्रिम करने वाले हैं। तो ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया, ये जो बाहर जा रही थी इसको ट्रिम कर रहे हैं। आपको सब समझ में आता जाएगा, बस देखते जाइए। आगे हमने इसको ट्रिम क्यों कर दिया मैं आपको आगे बताऊंगा ये वीडियो में। ये देखिए, अब ये जो लाइन है इसको हम थोड़ा बाहर निकाल देंगे, क्योंकि सेंटर लाइन ये सभी बाहर होना चाहिए। ये कॉलम के सेंटर से, ये सेंटर से, ये भी कॉलम के सेंटर पे है, सेंटर पे है, सेंटर पे है। ये देखिए, ये वाली कॉलम के सेंटर पे, ये भी कॉलम के सेंटर पे, बट ये भी कॉलम के सेंटर पे और ये भी कॉलम के सेंटर पे, सभी लगभग कॉलम के सेंटर पे हैं। अगर जो लाइन कॉलम के सेंटर पे नहीं हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से एक लाइन लेनी पड़ेगी। अलग से बोले तो देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे ये जो है ये कॉलम के सेंटर पे नहीं थी, ये भी कॉलम के सेंटर पे अब आई है, तो ये ले लिया हमने। इसको हमने क्या करा, बैक साइड ले जाएंगे, क्योंकि ये कॉलम के सेंटर पे नहीं है, ये कॉलम के सेंटर पे नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ है, देखिए अब आपको इसका बेसिक कैसे दिखाना है कि कौन सा कॉलम कितना शिफ्ट है, कौन सा कितना आगे है, ये कैसे दिखाओगे। तो चलिए आइए वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे DLI, ये DLI लिया हमने, ये DLI, इससे इसका सेंटर दिखाएंगे, ये इसका सेंटर दिखा दिया, ये वाले कॉलम से इस कॉलम का सेंटर, इस कॉलम से इस कॉलम का सेंटर। जब भी आप लेआउट डालोगे तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है, मेरा यही कहना है। तो लेआउट कोई कठिन बात नहीं है, लेआउट डालना। अच्छा दूसरी बात ये है कि इसका सेंटर ये है, तो इसका मतलब ये थोड़ा मूव होगा, ये चीज़ें थोड़ा याद रखें, सेंटर गलत ना डाल दें। और दूसरी बात, अगर आप चाहो तो ये जो बॉल है इसको हाइड भी कर सकते हो बॉल लेयर को देख के, जैसे बाय ब्लॉक में बनी है तो आप बाय ब्लॉक में देखो, लेयर में जाओ, बाय ब्लॉक वाली जितनी भी लेयर है सबको मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ये बंद किया, अब देखिए कॉलम लेआउट डालना और इजी हो गया हमारे लिए। ओके, ये सब बात, अब देखिए कॉलम लेआउट डालना और कितना इजी हो गया, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए अब आपको आसानी से देख सकते हैं आप कि यहाँ से हमने सेंटर लाइन डाली है, ये इसके सेंटर से जा रही है अलग ही दिख रहा है, ये इसके सेंटर से जा रहा है अलग ही दिख रहा है, ये इसके सेंटर से जा रहा है अलग दिख रहा है, ये भी सेंटर से दिख रहा है ना।
ये जो सेंटर लाइन अलग ही दिख रही है आपको, दिखाई दे रही है, ठीक है। ये भी सेंटर से आ रहा अलग दिख रहा है, इसको अपन मूव कर देते हैं, इसको कॉपी करो, सॉरी एम फोर मूव कर दो, यानी इसको इधर कर दो आगे, ठीक है। तो सभी कॉलम की सेंटर लाइन हम दिखा सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ ये वाले कॉलम की सेंटर, देखिए किसी भी कॉलम छूट ना जाए, पहले तो हमें ये चेक करना है, कोई भी कॉलम छूट नहीं रहा है। इसमें ऐसे भी डल गई है सेंटर लाइन, ऐसे भी डली है, ये देखिए सब में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सभी में है। हाँ, तो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है डालने का, लेआउट भी दिखना चाहिए, लेआउट प्रॉपर समझ में आना चाहिए। तो ये देखिए, इससे इसका सेंटर दिखाया, इससे इसका सेंटर दिखाया, इससे इसका सेंटर दिखाया, इससे इसका सेंटर दिखाया, और ये वाली लाइन जो है हटा दी। देखिए सभी को समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ सेंटर लाइन बनी है, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो थोड़ा और बढ़ा सकते हो इसको, जैसे अब मैं इसका सेंटर लाइन दिखाने वाला हूँ। पहले मैं इसकी एक L4 लाइन लूँगा, ताकि स्टैंडर्ड डायमेंशन में स्टैंडर्ड दिखे, हाँ कोई छोटा बड़ा ना रह जाए इधर, नहीं कोई नहीं है। तो DLI, ये इससे इसकी सेंटर लाइन दिखाई, ये सेंटर दिखाया, ये इससे इसका सेंटर दिखाया, ये इससे इसका सेंटर दिखाया, इससे इसका सेंटर दिखाया, अच्छा इसमें गलती क्या हो रही है, इसमें ये सेंटर, ये यहाँ से स्कैन किया, सॉरी यहाँ से किया और ये सेंटर दिखाया, ये यहाँ से किया और ये सेंटर दिखाया। दिस इज, ये देखो एक गलत लाइन हो गई थी, इसको डिलीट करो। सेंटर लाइन डालते समय काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा आपको दोस्तों, जैसे कि देखो अभी यहाँ गलती हो रही है, हम जो सेंटर लाइन यहाँ से डाल रहे थे वो यहाँ तक तो ठीक थी, पर यहाँ से इसके सेंटर में नहीं है, ये हमें दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लेंगे, ये हमने एक लाइन लिया और इसका सेंटर, और इसका सेंटर बनाते हुए ये एक सेंटर बना दिया, और यहाँ से एक लाइन लिया ये लास्ट तक, और ये दोस्तों ये हम ट्रिम कर देंगे, ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम नहीं करेंगे इतना, ये हमने ऊपर दिखा दिया इसका सेंटर, इसलिए हम इसको ट्रिम कर रहे हैं, है ना। ये ट्रिम करा, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया। अब बात रही, तो ये जो इसका सेंटर हम दिखा रहे हैं, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसका सेंटर हम यहीं छोटा सा दिखा देंगे, यहाँ पे हम इसका सेंटर यहाँ दिखा देंगे, ताकि ये लाइन थोड़ी ऊपर कर देंगे, इसमें और इसके सेंटर में कितना डिफरेंट है। तो DLI, ये मैंने डबल इंटर मारा, ये देखिए मात्र 50 mm का डिफरेंट है। देखिए 50 mm कितना होता है, इसका सेंटर और इसका सेंटर 50 mm का डिफरेंट है। तो ये आपको साइड पर काम करवाने में भी बहुत उपयोग साबित होगा, ये याद रखें। अब ये बहुत छोटा सा था, पर मैंने यहाँ 50 mm दिखा दिया, उसको इजी हो जाएगा। एक गलती ये हो गई,
इस लाइन को हमें ऊपर लेना था, हमने नहीं लिया, ये वाले लेआउट को हम ऊपर ले रहे थे, ये लेआउट को ऊपर लेना था, इसको हटा देते हैं, ये यहाँ से ये देखिए इसका सेंटर और इसका सेंटर ये आ गया। हाँ ये इसका सेंटर हो गया, ये हमने सेंटर दिखा दिए सभी के। बहुत इजी है, बहुत इजी लेआउट बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ से इसका सेंटर डाल दिया हमने, ये गलत हो गया, ये DLI। कई बार लेआउट डालने में वो लोग जल्दबाजी करते हैं, उसमें गलत हो जाता है, तो जल्दबाजी ना करें। अब देखो ये इसका लेआउट तो मैं ऊपर वैसे दिखा चुका हूँ, पर हमें यहाँ भी इसकी सेंटर लाइन दिखानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से यहाँ तक दिखाऊंगा और इस कॉलम से इस कॉलम तक दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो सेंटर लाइन है इसका हम ऊपर दिखा चुके हैं, ये इसका यहाँ दिखा दिया है। देखो देखो सभी कॉलम का दिखा दिया है, ऐसे में भी सभी का दिखा दिया है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक आओगे तो ये सब काउंट कर लोगे, यहाँ से यहाँ तक कैसे आना है, यहाँ से यहाँ तक कैसे आना है, इस कॉलम से इस कॉलम तक कैसे आना है ना। अब दिक्कत आ रही है, ये जो लाइन आ रही है ये लाइन सीधी तो नहीं है, तो इसीलिए इसको हमें इसके सेंटर पे लेना पड़ेगा। तो इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, यानी आपको अंदर कुछ कुछ चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। आप दो जगह से भी दिखा सकते हो, ये मैंने इसकी सेंटर से भी दिखा दिया, तो DLI आप चाहो तो उसको ज़्यादा वो मत करो, इसको ऊपर कर दो, आप इसके सेंटर से दिखा दो ये लाइन और ये लाइन दिखा दो, ये 500 मतलब आधा मीटर दूर है, इस कॉलम का सेंटर से इस कॉलम का सेंटर आधा मीटर दूर है। ये आप देखो, ये देखो ये 38 mm दूर है। ये छोटी छोटी डिटेल बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यही सिविल इंजीनियर है। बाकी सब परफेक्ट है। अभी इधर का भी हम एक बार लेआउट देख लेते हैं, ये बना दिया एक लेआउट। ये छोटी बिल्डिंग का लेआउट इसी तरह से बनाया जाता है। अगर बड़ा लेआउट होता है तो मैं आपको बड़ा लेआउट भी बनाना सिखाऊंगा, बड़ा लेआउट कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका लेआउट कंप्लीट हो गया। अब आप लेआउट के साथ एक काम और कर सकते हो, उसको अलग लेयर में भी चेंज कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने लेयर में जैसे L4 ये मेरी लेयर थी। एक मिनट दोस्तों आपको बताता हूँ, है ना, बैठ करो। ये देखिए आप ऐसे भी दिखा सकते हो ताकि आपको और इजी समझ में आ जाएगी, कहीं ये 38 mm। ये छोटी छोटी बातें बहुत इम्पोर्टेंट रखनी है दोस्तों। अब दूसरी बात मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, वो देखना आप लेआउट बना कोई भी लेता है पर उसको अब देखिए, ये आपका प्लान तैयार, ये देख,
या आपका लेआउट तैयार। आप चेक भी कर सकते हो ऐसे भी कि हाँ कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। ये देखिए इस टेरेस है, किचन है, ये किचन है ना, ये दो दो लोगों का पार्टीशन में हमने घर बनाया था, यहाँ पे डक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों।